अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जरा सब लोग मुझे रिप्लाई कर दें, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है, थैंक यू। और बाकी लोग भी बता दें। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हमने जो है वो टेंशन इन स्ट्रिंग की सेकेंड डेरिवेशन पढ़ी थी और उसका न्यूमेरिकल भी आपको बताया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्लाइंड प्लेन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में अक्सर आता है, और ये भी जो है लॉन्ग वाले सेक्शन में, जो सेक्शन सी होता है, 7 मार्क्स में आता है। अब इंक्लाइंड प्लेन देखें, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, तरीका वही है। जब तक मैं समझाऊंगा आप लिखेंगे नहीं, जब मैं आपको बोलूंगा तो फिर आप लिखेंगे, ठीक है। अब इंक्लाइंड प्लेन की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, अ सरफेस लाइज बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। कोई भी ऐसी सरफेस, कोई भी ऐसी सरफेस, अ सरफेस लाइज बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस एंड मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। कोई भी ऐसी सरफेस जो एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान हो और एक्स एक्सिस से कोई एंगल थीटा बनाती हो, उसे इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सिंपल मशीन एज इट कन्वर्ट्स वर्क इन टू इजियर फॉर्म। इसको हम एक सिंपल मशीन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे काम को आसान बनाती है। तो आप यहाँ देखें, देखें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक ऐसी सरफेस जो दोनों के बीच में जा रही है। ऐसी भी सरफेसेस होती हैं, प्लेन कहते हैं सरफेस को, ऐसी भी सरफेस होती है जो एक्स एक्सिस में जाती है। अगर एक्स एक्सिस में कोई सरफेस ऐसे जा रही हो तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, और कोई सरफेस अगर वाई एक्सिस में जा रही हो तो उसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। मसलन कोई भी दीवार है वो वर्टिकल होगी और जो फर्श होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। अब ऐसी सरफेस जो एक्स और वाई के बीच में जाए और उसका यहाँ एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बन जाएगा थीटा, उसको हम इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, ठीक है जी। और इंक्लाइंड प्लेन को हम एक सिंपल मशीन भी कहते हैं क्योंकि मशीन हम उन सारी चीज़ों को कहते हैं जो हमारे काम को आसान बनाती है, ठीक है। जो भी चीज़ हमारे काम को आसान बनाए। और हम हैंड रेस कर रहा है भाई, क्या हो गया रहा बेटा? एक बात तो सबसे पहले आप लोगों ने समझनी है, अरहम अभी देखे मैं समझा रहा हूँ तो आपने मेरे समझाने के दौरान ही सवाल कर दिया कि सर वर्क कैसे आसान होता है। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, अब यही बात मैं बताने जा रहा था। लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब भी मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, हाँ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब भी मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन करूँगा तो जब तक मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँ तो आपने सवाल नहीं करना। जब मैं पूरा एक्सप्लेन कर लूँ तो फिर आप सवाल करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होगा कि जो सवाल आप करेंगे ना तो वो मैं जब एक्सप्लेन करूंगा पूरा तो उसमें काफ़ी हद तक तो चांस है कि वो आ जाएगा, और अगर वो नहीं आएगा तो फिर आप सवाल कर लें। क्योंकि फिर होता ही है कि फिर मुझे बीच में मैसेज बॉक्स में जाके मैसेज देखना पड़ता है, फिर मैं आपका सवाल देखता हूँ, फिर मैं जो समझा रहा था वो मेरा सारा फ्लो जो है ना वो रुक जाता है। तो आप मुझे पूरा एक्सप्लेन करने दें, फिर सवाल ज़रूर पूछें, आप सवाल ज़रूर पूछें, लेकिन जब मैं किसी चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करूँ फिर सवाल पूछें। बीच में पूछेंगे ना तो डिस्टर्बेंस होगी, टाइम ज़ाया होगा। तो अब मैं यही बताने लगा था, जो आपने सवाल पूछ लिया, तो मैं ये कह रहा था कि मशीन्स जो है हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। कोई भी चीज़ जो हमारे काम को आसान बनाती है वो मशीन होती है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे किसी कपड़े को हाथ से भी सिया जा सकता है, लेकिन हाथ से सियेंगे इतना अच्छा नहीं सिलेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। उसे ही सिलाई की मशीन से सी लेंगे तो जल्दी हो जाएगा काम, अच्छा हो जाएगा। तो उसने सिलाई मशीन ने क्या किया, हमारे काम को उसने आसान कर दिया, बेहतर कर दिया। आप पैदल जाते हैं तो आपका फासला जो है वो देर में तय होता है, आप साइकिल पे चले जाएं, बाइक पे चले जाएं, जल्दी तय हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो है मशीन जो है वो हमारे काम को आसान करती है। अब इंक्लाइंड प्लेन हमारे काम को कैसे आसान करता है, अब देखिए बड़ी सिंपल सी मिसाल है। अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि भाई कहीं पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, अब ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है जी। अब आपको बाइक, कोई बाइक यहाँ है, अब यहाँ से ऊपर ले जानी है तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर यहीं पर आप एक लकड़ी का तख्ता रख लें, अब वो लकड़ी का तख्ता इंक्लाइंड प्लेन के तौर पे काम करेगा तो आपकी गाड़ी बिल्कुल आसानी से ऊपर चली जाएगी, तो उसने आपके काम को आसान कर दिया। या जैसे आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं मेन गेट होता है, तो मेन गेट पे सामने स्टेयर्स बनी होती हैं, लोग सीढ़ियों से जा रहे होते हैं, साइड में एक स्लोप बना होता है पेशेंट्स की व्हील चेयर्स के लिए, वो इंक्लाइंड प्लेन होता है ताकि व्हील चेयर आसानी से ऊपर चली जाए। तो इंक्लाइंड प्लेन जो है वो हमारे काम को आसान बनाता है, लिहाजा उसको एक सिंपल मशीन कहते हैं, ठीक है। अब अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें, वरना आप यहाँ तक इसकी डेफिनेशन नोट करें और ये फिगर बना लें, इसके आगे फिर मैं आपको बताऊंगा, पहले आप यहाँ तक नोट कर लें। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है, वरना आप इसको नोट कर लें। मैं आपको बस ये तो ज़रा सा ही काम है, एक मिनट में आप नोट कर लेंगे, आप इसे नोट करें फिर मैं आगे चलूँगा।
अच्छा, कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर फ्राइज कह रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन पर चढ़ना तो मुश्किल होता है अपवर्ड। हाँ, चढ़ना मुश्किल होता है लेकिन सीढ़ियों के मुकाबले में इतना मुश्किल नहीं होता। वो मुश्किल उस वक्त होता है जब प्लेन आपका बहुत ज्यादा उस पर फ्रिक्शन कम हो। अगर फ्रिक्शन कम होगी तो आप स्लिप होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर इंक्लाइंड प्लेन पे अक्सर देखा होगा कि वो आप देखेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे वो रबर वगैरह लगा देते हैं या कोई कारपेट बिछा देते हैं ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए, तो आप फिर प्लेन पे आसानी से जा सकते हैं। अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कोई कारपेट या रबर का मैट लगा हुआ हो, फ्रिक्शन बढ़ जाए और आप फिर उस पर चलते हुए जाएं और सीढ़ियों पे जाएं, तो सीढ़ियों के मुकाबले में आपको आसानी होगी। लेकिन अगर इंक्लाइन प्लेन बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा ना, फ्रिक्शन नहीं होगी, फिर आपके स्लिप होने के चांसेस होंगे। वरना सीढ़ियों के मुकाबले में फोर्स हमेशा कम लगेगी, याद रखिए। ठीक है, अब वो आप कहते हैं सर लेकिन उतरना आसान होता है। हाँ, तो वो तो बिल्कुल सही है आपकी बात। अभी मैं आगे मूवमेंट आपको बताने वाला हूँ। उतरना हमेशा आसान होगा क्योंकि उतरने के लिए तो ये होगा कि फोर्स जो है ना वो आपके वेट की वजह से खुद ब खुद लग रही होगी। जब आप उतरेंगे ना तो आपका जो वजन है वो खुद आपको नीचे की तरफ लेके आएगा। लेकिन जब आप चढ़ेंगे तो आपको खुद फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप चढ़ेंगे तो आपका वेट तो आपको नीचे लाना चाहेगा, तो आप ऊपर जाना है, तो इसके ऊपर जाना अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऊपर जाने में आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, और जब नीचे आएंगे तो आपका वेट आपको खुद नीचे ला रहा होगा। अभी मैं ये बात समझा, समझ आ गई आपको बात? हाँ जी, फैज साहब, फैज, फैज नाम है। अब क्या था, ये सिंपल मशीन क्यों है? अब मैं यही तो बात बता रहा हूँ फैज, आप शुरू से क्लास में नहीं है। मैं शुरू से तो बता रहा हूँ कि सिंपल मशीन इसलिए है कि ये हमारे काम को आसान करता है। अगर आपके पास बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और किसी मोटरसाइकिल को ऊपर ले जाना है तो कितनी मुश्किल होगी। अब आप लकड़ी का तख्ता रख दें, वो इंक्लाइन प्लेन बन गया, वो बाइक उस पर आसानी से चली जाएगी, या कहीं स्लोप है तो बाइक आसानी से चली जाएगी। तो ये काम को आसान कर रहा है, जभी तो सिंपल मशीन बोल रहा है इसे। हाँ जी फैज साहब, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं भाई। अब जरा आप लोगों ने सब समझनी है बात। हाँ जी, अब जरा समझिए बात। अब हम ये कह रहे हैं, अब आपने लिखना नहीं है, बात समझनी है। अब हम कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ अ बॉडी ओवर इंक्लाइंड प्लेन। अब जरा समझिए इस बात को कि कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर मूव कैसे करती है। तब पे गौर से सुनिए बात। देखिए, आमतौर पर किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर अगर किसी बॉडी को रख कर फ्रीली छोड़ दिया जाए तो आमतौर पे वो नीचे की तरफ स्लाइड करने लगती है, ठीक है। जबकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है भाई, अब आपने इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कोई बॉडी रखी और इसको छोड़ा तो ये खुद ब खुद कहीं नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखें, जैसे मैंने शो किया है कि ये एक बॉडी है, इसको आपने इंक्लाइंड प्लेन पर रखा और रख के आप इसको छोड़ दें तो ये खुद ब खुद जो है ना ये नीचे स्लाइड होने लगेगी। अब इन दोनों का फर्क हमें समझना है। अब फर्क क्या है? अब फर्क ये है कि जब बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है तो देखें, ये बॉडी का एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, और ये बॉडी का वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इसका वेट ऐसे सीधा सीधा नीचे वाई एक्सिस में एक्ट कर रहा है और इसके जवाब में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में एक्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो जो बॉडी का वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन से क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। जब वेट और नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हो जाएंगे, अब फोर्स बचेगी जीरो। अब फोर्स जीरो बचेगी तो बॉडी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ क्या फर्क होगा? अब यहाँ बॉडी चूंकि इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई है तो बॉडी जो है वो टिल्ट हो गई, यानी बॉडी अब चली गई क्रॉस में। अब जब बॉडी क्रॉस में चली गई तो बॉडी के एक्सेस भी ऐसे इसके साथ साथ मूव हो गए। अब ये बॉडी का एक्स एक्सिस है, ये बॉडी का एक्स एक्सिस है ये वाला, ठीक है जी, और ये बॉडी का वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब क्या हुआ कि अब बॉडी का वेट तो वैसे ही एक्ट करेगा सीधा सीधा नीचे की तरफ, जैसे देखो यहाँ पे एक्ट कर रहा था। लेकिन अब ये फर्क हुआ कि पहले तो जब बॉडी सीधी रखी हुई थी तो वेट जो है वो नीचे की तरफ वाई एक्सिस में जा रहा था, लेकिन अब आप देखें कि बॉडी का जो वेट है वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जा रहा है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा। तो आप लोगों ने मैट्रिक में वेक्टर्स के चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि जब कोई वेक्टर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जाता है तो फिर उसके दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक कॉस के साथ होता है, एक साइन के साथ होता है। कॉस वाला कॉम्पोनेंट हमेशा थीटा के बराबर में होता है और साइन वाला कॉम्पोनेंट जो है वो थीटा के साथ होता है।
तो अब क्या होगा कि यहाँ पर बॉडी का जो वेट है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा कंपोनेंट और एक वाला कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा। अब ये जो यहाँ आएगा थीटा के बराबर में, ये हो जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा, ठीक है जी। ये वेट है, ये इसका कॉस वाला कॉम्पोनेंट हो गया, और जो थीटा के सामने आएगा ये हो गया डब्ल्यू साइन, ठीक है जी। और नॉर्मल रिएक्शन ये वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर इस वक्त क्या होगा, अब ये होगा कि भाई देखिए पहले तो जो पूरा वेट था वो नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो रहा था, लेकिन अब पूरा वेट नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल नहीं होगा, अब वेट का ये वाला जो कंपोनेंट है डब्ल्यू कॉस थीटा, ये आप देखिए आर के ऑपोजिट आ रहा है, आर और डब्ल्यू कॉस थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट है, लिहाजा इस वक्त आर जो कैंसिल करेगा वो वेट के इस कॉम्पोनेंट को कैंसिल करेगा, डब्ल्यू कॉस थीटा को कैंसिल करेगा, और ये वाला जो कॉम्पोनेंट है यानी डब्ल्यू साइन थीटा, मोहम्मद अम्मार क्या कह रहा है सर बहुत कंजेस्टेड हो रहा है समझ नहीं आ रहा, वो कंजेस्टेड तो इसलिए हो रहा है ना कि मैं ऊपर से पेन चला रहा हूँ, अभी मैं ये पेन मिटा के जब फिगर दिखाऊंगा तो समझ आ जाएगा, आप टेंशन नहीं ले, आप टेंशन बिल्कुल नहीं ले, अभी आप मुझे बात करने दें, ठीक है, तो अभी आपको समझ आ जाएगी बात। तो अब क्या है कि मैं क्या बात बता रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि वेट का ये वाला जो कॉम्पोनेंट है डब्ल्यू साइन थीटा ये कैंसिल नहीं होगा, डब्ल्यू कॉस थीटा आर से कैंसिल होगा, जब डब्ल्यू साइन थीटा बाकी रह जाएगा तो वो W sin थीटा की वजह से ही बॉडी नीचे स्लाइड होने लगेगी। तो कॉन्क्लूजन ये है कि जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखी होती है, जो मैंने लेफ्ट पे समझाया है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर पूरा वेट नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो जाता है, लेकिन जब बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर होती है तो पूरा वेट कैंसिल नहीं होता, बल्कि वेट का ये वाला जो कॉम्पोनेंट है डब्ल्यू कॉस थीटा ये नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल होता है, और एक कॉम्पोनेंट यानी डब्ल्यू साइन थीटा नीचे की तरफ बाकी रह जाता है और वही बॉडी को नीचे ला रहा होता है, ठीक है जी। अब मैं आपको देखिए ये फिगर दिखाता हूँ तो आपको ये बात अभी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आप ये देखिए जो मैं आपको समझा रहा था, तो मैं आपको जो समझा रहा था कि ये बॉडी रखी हुई है, तो देखें ये वेट है, ये वेट का डब्ल्यू कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट है, ये डब्ल्यू साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट है, इधर नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन किससे कैंसिल हो गया, डब्ल्यू कॉस थीटा से, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये W cos थीटा से कैंसिल हुआ। अब ये जो W sin थीटा है ये देखें इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी वजह से बॉडी नीचे स्लाइड करेगी। अच्छा अब दो फोर्सेस तो ये हो गई, यानी वेट हो गया, ये वेट के दो कंपोनेंट हो गए और नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब ये वाली फोर्स क्या है ये भी जरा समझ लें। अब ये है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा जो है वो मोशन के अगेंस्ट होती है, और हम हैंड रेस कर रहे हैं, W साइन थीटा और W कॉस थीटा समझ नहीं आ रहा, अरहम कह रहा है, भाई अरहम आप मुझे ये बताएं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब कोई वेक्टर ये मैट्रिक में पढ़ा है आपने, ये बात मैं मैट्रिक वाली रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई वेक्टर x और y एक्सिस के दरमियान होता है तो उसके दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक कॉस के साथ एक साइन के साथ, यानी अगर कोई वैक्टर ए है तो उसका एक कॉम्पोनेंट होगा ए कॉस थीटा, दूसरा कॉम्पोनेंट होगा ए साइन थीटा। अब देखिए ये मैट्रिक में आपने ऐसा पढ़ा होगा, मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा, ये मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैट्रिक में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि भाई यहाँ लिखता हूँ कि जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अगर कोई वेक्टर है ए, ये मैं आपको मैट्रिक की बात बता रहा हूँ कि अगर कोई वेक्टर है ए और उसका ये एंगल बन रहा है थीटा, तो इस वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक ये जो थीटा के बराबर में आता है ये होता है ए कॉस थीटा, और ये जो थीटा के सामने आता है ये होता है ए साइन थीटा। ये मैंने मैट्रिक वाली बात बताई आपको, अब बताएं याद आया आपको? हाँ जी अरहम साहब, अरहम मुझे बताएं, अम्मार कहता है सर अगर पहले मुझे अरहम का याद आ गया, मैं अम्मार के सवाल का भी जवाब देता हूँ, पहले मैं अरहम के सवाल का जवाब दे दूँ, अब अरहम कहता है याद आ गया, तो अब पहले मैं अरहम का जवाब कंप्लीट कर लूँ। अब ये बात आपको याद आ गई तो अब आप देखें कि W cos और W sin अब समझ आना चाहिए कि भाई W जो है अच्छा, अब फाइस कहता है कि एक्सिस टिल्ट कैसे हुआ, भाई आप मुझे बताएं कि एक्सिस तो किसी बॉडी के साथ होते हैं ना, मिसाल के तौर पे आप सीधे खड़े हो जाएं, अब आप सीधे खड़े हो गए, अब आप अपने दोनों हाथ खोल लें, अब आपके राइट और लेफ्ट, गौर से मेरी बात सुननी है, आप सीधे खड़े हो जाएं और आप अपने दोनों हाथ खोल लें, अब आपके राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और लेफ्ट हैंड की तरफ जो होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है जी। अब आप घूमें, जब आप घूमेंगे तो आपके दोनों हाथ घूमेंगे तो आपके एक्सिस भी घूम जाएंगे,
तो जब कोई बॉडी घूमती है तो उसके एक्सेस तो उसके साथ घूमते हैं, तो एक्सेस कैसे टिल्ट हुआ? तो जब बॉडी नीचे जमीन पे सीधी रखी हुई थी और उसको इंक्लाइंड प्लेन पे ले गए तो बॉडी टिल्ट हुई, तो बॉडी के एक्सेस भी टिल्ट हो जाएंगे। बताए जी फाइज साहब, समझ आई बात फाइज? ठीक है। अच्छा, अम्मार का सवाल यह है कि सर अगर फर्ज किया जाए कि आर डब्ल्यू साइन थीटा से कैंसिल हो जाए तो बॉडी उसी पोजीशन में, भाई आर डब्ल्यू साइन थीटा से क्यों कैंसिल होगा? भाई कैंसिल जो होती है, फर्ज करने के लिए भी तो दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है? कैंसिल वो चीजें होती हैं, कैंसिल वो चीजें होती हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो आर जो है, जो आर है वो डब्ल्यू साइन थीटा के तो ऑपोजिट है ही नहीं। आप डायग्राम देखें, अभी डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, जो आर है, ठीक है जी, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप फिगर देख लें, ये फिगर देखें, ये आर की डायरेक्शन है और ये डब्ल्यू कॉस थीटा की है, ये डब्ल्यू कॉस थीटा की डायरेक्शन है, ये आर की डायरेक्शन है। तो आर और डब्ल्यू कॉस थीटा ऑपोजिट है, तो आर डब्ल्यू कॉस थीटा से ही कैंसिल होगा। अब हम ये कैसे फर्ज कर लें, जो आपने सवाल पूछा कि जी अगर फर्ज कर लें कि आर डब्ल्यू साइन थीटा से कैंसिल हो जाए, तो भाई आर इस तरफ जा रहा है और डब्ल्यू साइन थीटा इस तरफ जा रहा है, तो ये दो चीजें हम कैसे फर्ज कर लेंगे कैंसिल हो जाए? कैंसिल ये फर्ज करने के लिए भी तो दिमाग इस्तेमाल करेंगे ना, तो कैंसिल वो चीजें होंगी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो ये आर जब भी कैंसिल होगा इंक्लाइन प्लेन पे डब्ल्यू कॉस थीटा से होगा, डब्ल्यू साइन थीटा से नहीं होगा, ठीक है जी? बताए जी, बात समझ आ गई? ठीक है, समझ आ गया अम्मार को। और फाइज कहता है कि ग्रेविटी ना हो तो, तो भाई ग्रेविटी ना हो तो फिर आप इंक्लाइंड प्लेन को ले जाके स्पेस में रख दें, वहां ग्रेविटी नहीं होगी तो वहां तो कुछ भी नहीं होगा, जहां ग्रेविटी नहीं होगी वहां तो कुछ भी नहीं होगा। ये बॉडी जो नीचे आ रही है, ये डब्ल्यू साइन थीटा, अच्छा मैं अभी सबके सवाल के जवाब देता हूँ। ये जो फाइज कहता है कि अगर ग्रेविटी ना हो तो, भाई ग्रेविटी ना हो तो आप इसको स्पेस में ले जाके रख दें, तो ग्रेविटी नहीं होगी तो वहां तो कुछ भी नहीं होगा, वहां बॉडी रखेंगे वो कहीं भी चली जाएगी, वो नीचे नीचे थोड़ी आएगी क्योंकि वहां वेट ही नहीं होगा, ठीक है जी? अच्छा, अफान साहब कहते हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा एक्सेप्ट फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा जी, कुछ भी क्या समझ नहीं आ रहा, मतलब आपको वेट समझ नहीं आ रहा अफान साहब? हाँ जी, आपको वेट समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा अफान साहब? हाँ जी, तो अरहम कहते हैं कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, ठीक है अफान साहब, आप बताएं क्या समझ नहीं आ रहा? वेट समझ नहीं आ रहा। अच्छा चले, मैं आपको बताता हूँ, सब लोग दोबारा सुने। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। सर ये टॉपिक हमारे पास मैट्रिक में भी था, मुझे सब समझ आ रहा है। ठीक है जी, मुबशिर कहता है मुझे सब समझ आ रहा है, ठीक है। अब जो दो लोग ये कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको मैं दोबारा समझा देता हूँ, समझ ले सकते, और जिनको समझ आ चुका है वो भी दोबारा समझ ले, और जो कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उनको मैं दोबारा बता समझे दोबारा बता दू। हाँ जी, अब जरा सब समझे दोबारा मेरी बात, सब दोबारा समझे। मैंने ये बताया कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है जी, उस पे एक बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी का एक्स एक्सिस है और ये बॉडी का वाई एक्सिस है, तो वेट गया नीचे, ठीक है जी, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो पूरा वेट नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो गया, ठीक है, यहां तक तो बात समझ आ गई। अब मैंने बताया ये कि अब इस चीज को चेंज करें, अब फर्ज कर लें कि एक है इंक्लाइंड प्लेन, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है जी, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। अब एक बॉडी यहां रखी हुई है, सबने गौर से सुनना है। अब सबसे पहले ये सोचना होगा कि इसके एक्सिस किधर है। हमेशा किसी भी बॉडी के राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ एक्स एक्सिस होता है, तो ये बॉडी का एक्स एक्सिस इधर है और इधर है, और बॉडी के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वाई एक्सिस होता है, तो ये वाई इधर है और ये वाई इधर है, ठीक है जी। अच्छा, अब वेट तो वैसे ही इसका एक्ट करेगा, सीधा सीधा नीचे जाएगा, ये वेट इसका सीधा सीधा नीचे जा रहा है, जैसे जाता है हर बॉडी का वेट। अब जब वेट सीधा सीधा नीचे जा रहा है तो अब वेट किस किस के बीच में आ गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आ गया। अब जब बीच में आ गया तो वेट का यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बन गया थीटा। फिर कोई कुछ कह रहा है? अच्छा, अब अम्मार कहता है कि सर सर जब भी बॉडी टिल्ट होगी तो उसके एक्सिस भी टिल्ट हो जाएंगे। हाँ, ये तो मैंने बता दिया आपको, ये तो मैंने अभी बात बताई कि जब भी कोई बॉडी टिल्ट होगी, जब भी कोई बॉडी घूमेगी तो उसके साथ एक्सेस हमेशा घूमेंगे, क्योंकि एक्सेस तो बॉडी के हिसाब से होते हैं, ठीक है जी।
क्लियर है आप? अम्मार साहब क्लियर है आप? हाँ जी अम्मार साहब आप क्लियर है? ओके अच्छा, अब दोबारा वापस आ जाए वहीं पे। तो अब मैं ये कह रहा हूं, दोबारा यहाँ पे वापस आ जाए कि वेट का ये एंगल बन गया थीटा। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैट्रिक में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, मैट्रिक में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि, अब फाइज आंसर मुझे कहता है सर, सर के बाद क्या कहना चाह रहे हैं फाइज साहब आप? हाँ जी फाइज साहब, फाइज आपने कुछ कहना है? थीटा वाई एक्सिस क्या मतलब? थीटा वाई एक्सिस के साथ बनता है हमेशा? नहीं हमेशा नहीं बनता, हमेशा नहीं बनता। अगर आप कोई वेक्टर इस तरह से ले लें, मिसाल के तौर पे आप कोई वेक्टर ऐसे ले लें, आप कोई वेक्टर यहाँ ले लें, ये एक्स है ये वाई है, अब आप वेक्टर यहाँ ले लें, यहाँ ले लें आप वेक्टर एक, तो थीटा जो है वो इधर बन जाएगा, एक्स के साथ बन जाएगा और वाई के साथ भी बनेगा, बनता तो दोनों के साथ है, ठीक है ना? लेकिन जहाँ से करीब होता है वहां से ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर इंक्लाइन प्लेन पर जो है, ये जो इंक्लाइन प्लेन पे मैंने आपको बताया ये जो थीटा है, तो ये मैंने आपको बताया कि भाई ये बताया एक्स एक्सिस, ठीक है जी, और ये बताया वाई, और ये बताया वाई, तो ये वेट आया, तो इधर से भी बन जाएगा थीटा, लेकिन फिर आपको कंपोनेंट इस तरफ देने पड़ेंगे। मैं कंपोनेंट इधर शो कर रहा हूँ, तो कंपोनेंट तो किसी भी वेक्टर के दोनों तरफ आते हैं। आप लोग लगता है मैट्रिक की चीजें भूल गए या सही से पढ़ के नहीं आए, मैट्रिक में क्या पढ़ा है आप लोगों ने? देखो ना, मैट्रिक में सर ने ये बताया होगा कि जैसे ये, अब मुझे मैट्रिक दोबारा पढ़ानी पड़ रही है, देखो ये वेक्टर ए है, तो सर ने ये बताया होगा आपको कि भाई ये इसका एंगल बनता है थीटा और ये कॉम्पोनेंट इधर होता है, ऐसे पढ़ा होगा कि ये होता है ए कॉस थीटा, यानी ए एक्स होता है जिसको ए कॉस थीटा कहते हैं, और ये वाला ए साइन थीटा होता है, ठीक है। फिर आपको मैट्रिक में ही पढ़ाया गया होगा कि भाई इनको सामने भी बनाया जा सकता है, ए कॉस थीटा यहाँ भी लिया जा सकता है, इधर भी लिया जा सकता है, और ए साइन थीटा यहाँ भी लिया जा सकता है, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, इसको यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। इसी तरह मैं कॉम्पोनेंट इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, और यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, तो मैं थीटा किसी एक साइड शो करूंगा ना जहाँ मुझे कॉम्पोनेंट्स लेने। बात समझ आई? हाँ जी समझ आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब दोबारा वहां पे वापस आ जाए, तो अब मैं क्या कह रहा था, अब मैं आप लोगों को ये कह रहा था, मैं आपको ये कह रहा था कि ये इंक्लाइन प्लेन मैंने बनाई थी, और मैंने कहा था ये बॉडी रखी हुई है, मैंने कहा था ये बॉडी रखी हुई है, और फिर मैंने बताया था आपको कि ये बॉडी का एक्स एक्सिस है और ये बॉडी का वाई एक्सिस है, ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने बताया था वेट का वेक्टर है और ये इसका एंगल बन रहा है थीटा। अब दो कंपोनेंट आएंगे वेट के, एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा और एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा। जो थीटा के बराबर वाला होता है वो हमेशा कॉस के साथ होता है, कॉस कंपोनेंट होता है, तो थीटा के बराबर में ये डब्ल्यू कॉस थीटा हो गया, और जो थीटा के सामने वाला होता है वो डब्ल्यू साइन थीटा हो गया। तो अब मुझे सब बच्चे बताएं कि अब आपको वेट के ये दोनों कॉम्पोनेंट समझ आ गए? सब मुझे यहाँ तक बता दें कि वेट के कॉम्पोनेंट समझ आ गए आपको? अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जी देखिए पिछले किसी टीचर का नाम ना ले करें, सर फलाने ये नहीं बताया था, बताया था कि बस परपेंडिकुलर बेस, और नहीं बेटा कोई बात नहीं, आप अभी तो समझ आ गई ना आपको बात? हाँ जी अभी समझ आ गया आपको, ठीक है, ठीक है समझ आ गई बात आपको, ठीक है। तो अब दोबारा हम वहां पे वापस चलते हैं, तो अब हम उस पर वापस चलते हैं फिगर पे। हाँ जी, जब तक आपको समझ नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आराम से पहले पूरी बात समझ लें उसके बाद हम आगे चलेंगे, जब आपको समझ आ जाएगा तो फिर काम करना कोई मसला नहीं। तो अब इस फिगर पे आप वापस आ जाए भाई, अब सब बच्चे यहाँ पहले ध्यान करेंगे, लिखेंगे बाद में। तो अब ये बात समझ आ गई कि भाई यहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है, और ये वेट के दो कॉम्पोनेंट है, थीटा के बराबर वाला डब्ल्यू कॉस थीटा है, और थीटा के सामने वाला ये डब्ल्यू साइन थीटा है, और इधर नॉर्मल रिएक्शन है, ये भी सबको समझ आ गया, ये बातें समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर है आप? अब उसके बाद क्या है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अगेंस्ट होती है, जब ये बॉडी नीचे स्लाइड करेगी तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है इस पे जो फ्रिक्शन होगी ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, ठीक है जी, फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करेगी। तो मैं सारी चीजों को सेंटर पॉइंट से दिखा रहा हूँ, तो ये मैंने दिखाया कि फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, तो फ्रिक्शन हमेशा जो होती है वो अगेंस्ट द मोशन होती है, तो चूंकि ये बॉडी नीचे स्लाइड कर रही है इसलिए फ्रिक्शन जो होगी ऊपर की तरफ होगी, ये फ्रिक्शन हो गई, ठीक है जी। एक फोर्स ये हो गई, एक नॉर्मल रिएक्शन हो गई दो, और तीसरी फोर्स ये हो गई डब्ल्यू कॉस थीटा, और चौथी हो गई डब्ल्यू साइन थीटा। अब ये चार फोर्सेज हैं। अब ये कैपिटल एफ क्या है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। अब रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है,
जब किसी बॉडी पर दो या तीन या चार फोर्सेज एक्ट करती हैं या पांच एक्ट करती हैं, उनमें से कुछ कैंसिल हो जाती हैं, तो फिर आखिर में जो बचता है वो रिजल्टेंट फोर्स होती है। और रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा उस तरफ होती है जिधर बॉडी जा रही होती है। तो चूंकि बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, लिहाजा रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ होगी, और चूंकि फ्रिक्शन मोशन के अगेंस्ट होती है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगी। तो अब हम ये देखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगी। अब देखो, रिजल्टेंट फोर्स ऐसे निकलेगी कि ये जो चार फोर्सेज हैं, इन चार फोर्सेज में से, गौर से मेरी बात सुनिएगा, इन चार फोर्सेज में से दो फोर्सेज ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। किस किस ने कैंसिल कर दिया? आर ने और डब्ल्यू कॉस थीटा ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है। आर इधर जा रहा है, डब्ल्यू कॉस थीटा इधर जा रहा है, और बॉडी ना आर की तरफ जा रही है ना डब्ल्यू कॉस थीटा की तरफ जा रही है। लिहाजा इन दोनों फोर्सेज ने, आर ने और डब्ल्यू कॉस थीटा ने एक दूसरे को कर दिया कैंसिल। अब बची दो फोर्सेस, एक बची डब्ल्यू साइन थीटा, दूसरी बची फ्रिक्शन। तो अब इनमें से एक बड़ी फोर्स होगी और एक छोटी फोर्स होगी। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी बड़ी फोर्स है और कौन सी छोटी फोर्स है? जिसकी तरफ बॉडी जा रही होगी वो बड़ी फोर्स है, दूसरी छोटी फोर्स होगी। तो आप देखें कि डब्ल्यू साइन थीटा नीचे की तरफ है और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है, और बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, लिहाजा बड़ी फोर्स कौन सी होगी? जो नीचे की तरफ है। तो अब रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, जो कैपिटल एफ है, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करते हैं। तो डब्ल्यू साइन थीटा में से हम माइनस कर देंगे फ्रिक्शन को, डब्ल्यू साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, इसमें से इसे माइनस करने के बाद जो बचेगा वो इक्वल होगा रिजल्टेंट फोर्स को। ये अभी मैं नेक्स्ट पेज जब चलाऊंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। अब सारे मुझे स्टूडेंट्स ये बता दें कि यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? ठीक है, क्लियर है सब? ठीक है जी, अब समझ आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, जो मैंने आपको भी समझाया, देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए भाई, यहाँ ये लिखा है कि व्हेन अ बॉडी इज फ्रीली प्लेस्ड ओवर इंक्लाइंड प्लेन देन इट स्लाइड्स डाउन, इन दिस कंडीशन फॉलोइंग फोर्सेस अप्लाई ऑन इट। ठीक है जी, कि जब भी किसी बॉडी को, ठीक है जी, जब भी किसी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर रखा जाएगा तो बॉडी हमेशा नीचे की तरफ स्लाइड करेगी और उस पर फोर्सेस एक्ट करेंगी। अब कौन कौन सी फोर्सेस है? पहली फोर्स है बॉडी का वेट W, इसके दो कंपोनेंट है W cos थीटा और W sin थीटा। W cos थीटा जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, देखिए ये प्लेन है और ये W cos थीटा है, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, और W sin थीटा प्लेन के पैरेलल है, देखिए ये प्लेन चल रहा है और ये W sin थीटा चल रहा है, दोनों पैरेलल है। तो W sin थीटा जो वेट का कंपोनेंट है ये प्लेन के पैरेलल होता है, और W cos थीटा जो है ये प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये वेट के दो कंपोनेंट हो गए। फिर नॉर्मल रिएक्शन है जो कि ऊपर की तरफ है y एक्सिस में, फिर फ्रिक्शन है जो अगेंस्ट द मोशन है, और रिजल्टेंट फोर्स है जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मोशन है। ये सारा मैंने आपको समझा दिया। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा नोट करें, फिगर बनाएं और ये नोट करें। इसके लिए मैं आपको 2 से 3 मिनट दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, और नमाज का ब्रेक मैं लास्ट में दूंगा, अभी मैंने भी नमाज नहीं पढ़ी है। ठीक है, आप लोग फटाफट नोट करें इसे। शाबाश, 2 से 3 मिनट दूंगा। अब समझ आ गया है सबको, अब नोट फटाफट कर लें।
हाँ बेटा नोट कर लिया। हाँ भाई नोट कर लिया भाई सबने, कुछ कह रहे हैं कर लिया, आगे चलें जी। अच्छा कोई कह रहा है 1 मिनट, ठीक है किसी ने 1 मिनट कहा है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। हाँ भाई अब किधर पहुंचे भाई, कर लिया आगे जाऊं। हाँ बेटा डन, अब लोग मुझे कह रहे हैं कर लिया, अब मैं आगे जाता हूं। ठीक है अब देखो यहां तक मैंने आप लोगों को समझा दिया था, यहां तक आप नोट कर लो, यहां तक मैं बता चुका था कि R और W cos theta इक्वल हो जाएंगे और जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो W sin theta माइनस फ्रिक्शन होगी, ये इक्वेशन 1 होगी। यहां तक मैं आपको समझा चुका था, यहां तक नोट कर लो आप फटाफट, यहां तक आ जाओ। हाँ भाई नोट कर लिया यहाँ तक, हाँ भाई सबने नोट कर लिया डन। अब आप मेरी बात सुनेंगे कि भाई देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरह से आता है, एग्जाम में जब भी ये टॉपिक आता है सब मेरी बात सुनेंगे गौर से। एग्जाम में ये टॉपिक इस तरह से आता है कि जी इंक्लाइंड प्लेन को डिफाइन करें, इंक्लाइंड प्लेन को डिफाइन करें, और अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर मूव कर रही हो तो उसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाएं, ठीक है जी। और वो दो बातें कहते हैं कि भाई अगर प्लेन फ्रिक्शन लेस हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, और अगर प्लेन के ऊपर थोड़ी फ्रिक्शन हो तो फिर क्या होगा। तो अब यहां तक बनाने के बाद हम दो बातें करते हैं। अब देखो पहली बात हम ये कह रहे हैं कि इफ प्लेन इज फ्रिक्शन लेस, अभी लिखना नहीं है बात समझनी है, हम ये कहते हैं कि जी इफ प्लेन इज फ्रिक्शन लेस, अगर प्लेन फ्रिक्शन लेस होगा तो इसका मतलब है फ्रिक्शन जीरो होगी, तो हम इसको इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर देंगे, तो हमने फ्रिक्शन की जगह जीरो रख दिया, तो ये एफ बच गया और डब्ल्यू साइन थीटा बच गया, ठीक है जी। अब F इज इक्वल टू एम ए होता है, F की जगह एम ए रख दिया, W की जगह एम जी रख दिया, तो ये M से M कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया पहला, A इज इक्वल टू जी साइन थीटा, कि अगर कोई इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन लेस होगी और बॉडी उस पर नीचे की तरफ जा रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू जी साइन थीटा होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होगी तो फिर A इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा होगा। तो अब आप ये कहेंगे कि भाई बॉडी ऊपर की तरफ कैसे जाएगी, ऊपर की तरफ भी जा सकती है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई इंक्लाइन प्लेन है, अब यहाँ पे आप कोई बॉडी रख दें, कोई बॉल रखी आपने, अब आपने फोर्स लगाई और फोर्स लगा के इसको ऊपर की तरफ रोल कर दिया,
तो आप जो फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से ये ऊपर जाएगी 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 जाएगी, फिर किसी जगह पे जाकर रुक जाएगी, फिर रुकने के बाद फिर वो डब्ल्यू साइन थीटा की वजह से यानी अपने वेट की वजह से फिर नीचे आने लगेगी। लेकिन वो पहले ऊपर जाएगी जो आपने फोर्स लगाई है उसकी वजह से। तो बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे अपनी मर्जी से तो खुद ब खुद नीचे आएगी, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए तो वो ऊपर भी जा सकती है। तो आपको पता है कि नीचे आने के लिए जी पॉजिटिव होता है और ऊपर जाने के लिए जी नेगेटिव हो जाता है। तो अगर बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो फॉर्मूला बिल्कुल यही रहेगा, जी की जगह पे माइनस जी आ जाएगा। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए कि अगर इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन लेस हो और बॉडी नीचे जा रही हो तो उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा, और अगर बॉडी ऊपर जा रही हो तो एक्सेलरेशन उसका माइनस जी साइन थीटा होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब हम दूसरी बात ये करते हैं कि भाई अगर प्लेन पर फ्रिक्शन मौजूद हो, इफ प्लेन हैज सम फ्रिक्शन, तो अगर प्लेन पर फ्रिक्शन मौजूद हो तो हम दोबारा इक्वेशन वन को, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम दोबारा यूज कर लेंगे। ठीक है जी, इक्वेशन वन को हम दोबारा यूज कर लेंगे, यही वाली जो हमारी इक्वेशन थी इसको हमने दोबारा यूज किया, यूजिंग इक्वेशन वन, ये आ गई। पहले हमने फ्रिक्शन को जीरो रख दिया था, अब प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन है तो हम फ्रिक्शन को जीरो नहीं रखेंगे, फ्रिक्शन अपनी जगह मौजूद रहेगी और हम वैसे ही एफ की जगह पे एम ए रख देंगे और डब्ल्यू की जगह एम जी रख देंगे। फिर ये एम जो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट पर आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और फिर इस एम को हम अलग अलग कर लेंगे, ये बीच में माइनस आ रहा है इसके साथ अलग कर लेंगे, इसके साथ अलग कर लेंगे। तो आप यहाँ आ जाए, देखेंगे ये क्या किया, एम जी साइन थीटा के साथ एम को अलग डिवाइड कर लिया और बीच में माइनस आ गया, और ये फ्रिक्शन के साथ एफ के साथ अलग कर लिया। तो यहाँ पे देखें ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया, तो आपके पास फॉर्मूला बचा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। तो अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन मौजूद हो और बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही हो तो फिर उसका जो एक्सेलरेशन है वो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम होगा, और अगर बॉडी ऊपर जा रही हो तो वही जी की जगह माइनस जी आ जाएगा, बस बाकी सब वही रहेगा। तो ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम होगा। तो टोटल हमारे पास चार फॉर्मूले होते हैं, 1, 2, 3 और 4। अगर इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन लेस हो और बॉडी नीचे जा रही हो तो ये होगा, ऊपर जा रही हो तो ये होगा, और अगर प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन हो और बॉडी नीचे जा रही हो तो ये होगा और ऊपर जा रही हो तो ये होगा। अब कभी कभी एग्जाम में जब सवाल आता है तो वो सिर्फ ये कह देते हैं कि भाई अगर बॉडी फ्रिक्शन लेस प्लेन पे जा रही है तो बना दें, तो फिर आप बस ये दो बना के यहाँ पे रुक जाएंगे। और अगर वो आपसे दोनों में कहें कि भाई अगर प्लेन फ्रिक्शन लेस है या प्लेन पर फ्रिक्शन है, दोनों कंडीशन में बताएं, तो फिर आप ये दोनों भी बताएंगे और आप ये दोनों भी बताएंगे। तो ये टॉपिक यहाँ पर आके कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको बात समझ आ गई है। अब मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दूंगा, आप यहाँ तक तो काम कर चुके हैं, आप ये नोट करें सारा और ये नोट करें, इसके लिए आपके पास 2 मिनट है। शाबाश, स्टार्ट हो जाए।
हाँ भाई कर लिया आप लोगों ने? जी बेटा कर लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कर लिया और कुछ कह रहे हैं नो। चलें 1 मिनट है आपके पास। हाँ जी कर लिया। अब मैं आगे जा रहा हूं। फाइज मुस्तकिल कह रहा है नो। भाई सबने कर लिया। हाँ जी कहाँ पहुंचे? अब कह रहे हैं डन। हुजैफा ने कर लिया। फाइज आपने किया भाई? फाइज फाइज रह गया है। ये मुस्तकिल नो कह रहा है। वजाहत ने कर लिया। हाँ भाई मजहर ने कर लिया। हुज़ैफ़ा ने कर लिया लेकिन फाइज नहीं कर पा रहा। फाइज ने भी कर लिया। चलो जी अहमद नदीम ने भी कर लिया। सबने कर लिया। अब मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है जी अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ। अगर कोई रह गया तो बता दे। कोई रह गया तो बता दो वरना मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है अच्छा भाई अब ये आपके सामने देखें ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है चैप्टर नंबर 3 का। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है गौर से समझेंगे फिर लिखेंगे आखिर में और इस क्वेश्चन के इस न्यूमेरिकल के करने के बाद क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है जी अच्छा इसमें लिखा है कि जी अ साइक्लिस्ट इज गोइंग अप। अ साइक्लिस्ट इज गोइंग अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री विथ 3.5 मीटर पर सेकेंड। एक साइक्लिस्ट है वो 30 डिग्री के स्लोप पर यानी इंक्लाइन प्लेन पर 3.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। इफ ही स्टॉप्स पेडलिंग अगर वो चलते चलते पेडल्स चलाना बंद कर दे हाउ मच डिस्टेंस विल ही मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो वो रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा और अज्यूम फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल यानी फर्ज कर लें कि उस इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है जिसका मतलब है फ्रिक्शन लेस प्लेन है यानी फ्रिक्शन जीरो है। अब आप देखिए क्या क्या चीजें सामने आ गई। 30 डिग्री का स्लोप है थीटा 30 हो गया। 3.5 की वेलोसिटी से जा रहा है ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। जब वो पेडल्स चलाने बंद कर देगा तो थोड़ा आगे जाके रुक जाएगा। जब रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है तो फ्रिक्शन को जीरो ले लेंगे। और जहां पर पेडल्स चलाने बंद करेगा वहां से कितना आगे जाके कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगा तो डिस्टेंस आपको निकालना। ठीक है जी तो अब इस क्वेश्चन में हमें थीटा मालूम है वी आई मालूम है वी एफ मालूम है फ्रिक्शन जीरो है और हमें एस निकालना है। अब इन चीजों को देखते हुए हम क्या करेंगे कि हम इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। आप जरा यहाँ देखिए कि पहले हमने क्या काम किया है। पहले हमने देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करी है। थर्ड इक्वेशन अप्लाई की 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसमें देखें ये वी एफ जीरो है वी एफ हमने जीरो रख दिया और वी आई 3.5 है वी आई हमने 3.5 रख दिया। अब देखें जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया और 3.5 का स्क्वायर 12.25 होगा और जब आप जीरो में से 12.25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे -12.25 आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे आपका 2as वैसे ही चलेगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अच्छा अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है s। तो अब अगर हम किसी तरह से यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे तो फिर हमारा s का आंसर आ जाएगा। अब a की वैल्यू रखने के लिए हमने जो अभी पिछली डेरिवेशन की है उसमें हमने चार फॉर्मूले जो बनाए थे तो उसमें से हम देखेंगे कौन से अप्लाई होगा। तो हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी। अब देखो कंडीशन क्या है कि जो साइक्लिस्ट है वो ऊपर जा रहा है गोइंग अप ऊपर की तरफ जा रहा है
और फ्रिक्शन निग्लिजिबल है, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन लेस प्लेन है। तो अगर इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन लेस हो और बॉडी उसको ऊपर जा रही हो, तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस जी साइन थीटा के इक्वल होता है। अभी हमने बनाया फॉर्मूला, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग अप ओवर अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन प्लेन, ए इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा, तो अब जी की जगह 9.8 आ जाएगा, और साइन थीटा, थीटा 30 है तो साइन 30 हो जाएगा। तो आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है, आप घर पे करके देखिएगा। तो यहाँ 0.5 होगा, अब ये 0.5 9.8 से मल्टीप्लाई होगा तो -4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन माइनस में क्यों आ रहा है, जिस चीज की भी वेलोसिटी कम हो रही होती है या जो चीज आगे जाके रुक जाती है उसका एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में आता है। तो चूंकि ये साइक्लिस्ट आगे जाके रुक जाएगा इसलिए एक्सेलरेशन इसका माइनस में आएगा। अब ये ए की वैल्यू आ गई, अब इस ए की वैल्यू को आप पुट कर देंगे, ए की वैल्यू जो है वो आपने पुट कर दी इसमें, ठीक है जी, पुट इन इक्वेशन वन। तो यहाँ देखें ए की वैल्यू रखेंगे तो 2as, तो ए की जगह -4.9 आ गया और s अपनी जगह मौजूद है और राइट साइड वैसे ही है। अब ये 2 और -4.9 मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 9.8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर -9.8 s से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड ले जाए तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 12.25 जो है वो 9.8 से डिवाइड होगा तो 1.25 मीटर इसका आंसर आएगा, जिसका मतलब है कि वो जो साइक्लिस्ट है वो 1.25 मीटर के बाद जाके रुक जाएगा, जिस जगह भी वो पेडल्स चलाने बंद करेगा वहां से 1.25 मीटर आगे जाके वो रुक जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल है इसका, और आगे एक दो और भी न्यूमेरिकल है लेकिन आज की क्लास में ये कर रहे हैं, फिर एक और दो न्यूमेरिकल है वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। अब सब लोग मुझे बताएंगे कि उनको समझ आ गया है, सब मुझे ओके करें, हाँ जी बताएं समझ आ गई ये बात, हाँ भाई वेट कर रहा हूं मैं आपका, हाँ जी समझ आ गया है, ओके ठीक है। तो अब ये है, ठीक है सब कह रहे हैं क्लियर है, तो अब आप लोग ये समझ आ गया है तो उसको नोट कर ले, ठीक है इसको नोट कर ले, और इसको नोट करने के बाद जो जो नोट कर ले वो लीव करता जाए, आज की क्लास इस क्वेश्चन पे खत्म हो जाएगी, ठीक है आप नोट करते जाए और लीव करते जाए, फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को मुलाकात हो, ठीक है अल्लाह हाफिज़।
13 तारीख की आपके एडमिशन भी देख लो, उसके बाद आपकी क्लासेस। अगर आप ये